हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। साल 2023 की सबसे बड़ी खबर आ गई है सामने। जी हां, ये खबर है सनी देओल और शाहरुख खान से जुड़ी हुई। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये दोनों वो शख्स है बॉलीवुड के जो कि एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते हैं। यूं तो एक वक्त पर दोनों ने साथ में काम किया है, पर बावजूद इसके दोनों के बीच में है गहरी दुश्मनी। पर अब ऐसा लगता है कि सालों पुरानी दुश्मनी हो चुकी है खत्म और इस बात का मिल गया है अब बड़ा हिंट, और वो भी दे दिया है बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख ने। मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम सब जानते हैं, सनी देओल की गदर 2 हो चुकी है रिलीज। फिल्म हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल, 430 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है सनी की फिल्म। और वही अब जो शाहरुख खान है वो जमकर तारीफ करते नजर आए हैं सनी देओल की। दरअसल हम सब जानते हैं कि जो शाहरुख खान है वो अक्सर अपने फैंस के साथ कनेक्ट होते हैं आस्क मी एनीथिंग, आस्क मी SRK में। और अब ऐसे में जब वो अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं अपने व्यूज़ को, तो उस दौरान जो फैंस है वो शाहरुख से एक सवाल करते हैं और वो सवाल होता है, क्या आपने सनी देओल की गदर 2 देखी है, आपको फिल्म कैसी लगी? तो इस पर बिना देरी किए जो शाहरुख खान है वो कह देते हैं कि हाँ, मैंने देखी है और मुझे फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और शाहरुख खान के इस जवाब ने फैंस को पूरी तरीके से शॉक कर दिया है, क्योंकि किसी को ये नहीं लग रहा था कि जो शाहरुख है वो सनी देओल से पैचअप करने के मूड में होंगे। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि इन दोनों की लड़ाई की वजह क्या थी। दरअसल दोनों ने डर फिल्म में साथ काम किया था और उस दौरान ही जो सनी देओल है वो शाहरुख से काफ़ी नाराज़ हो गए थे, क्योंकि इस फिल्म में जो सनी देओल है वो हीरो थे जबकि शाहरुख खान विलेन थे, और विलेन के रोल को ज़्यादा सराहा गया था और ज़्यादा तवज्जो मिला था, और यही वजह थी कि शाहरुख और सनी में हो गई थी दुश्मनी की शुरुआत। बहरहाल गाइज, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिएगा सब चाहूँगा।